हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, क्या क्या चीजें हम करते हैं, जरूरत क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस मैटर मोस्ट फॉर हैंडलिंग गुड बिजनेस। ठीक है, अगर आपको अच्छा बिजनेस एक्टिविटी करना है, ठीक है, सफल बिजनेसमैन बनना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, सिर्फ अच्छा बिजनेसमैन के लिए ही नहीं, किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए आपको अगर सफल होना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ही क्या है, जरूरी है। आइए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ये क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गुड कम्युनिकेशन होगा तो आप लोग का क्या होगा, जो भी पर्पस है, ठीक है, क्या है पर्पस, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मीनिंग ऑफ द मैसेज, क्या मीनिंग ऑफ द मैसेज सही से पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अब गुड कम्युनिकेशन या प्रैक्टिस इन बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन होता है मतलब कि तीन चार लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, और एक टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये पांच लोग का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, और इनको एक टॉपिक दे दिया गया। अब उस टॉपिक पे इन पांचों लोग को, ठीक है, कुछ लोग किस में बोलेंगे? कुछ लोग फॉर में बोलेंगे और कुछ लोग अगेंस्ट। और मतलब होता है उस टॉपिक के पक्ष में बोलेंगे, और अगेंस्ट मतलब होता है उस टॉपिक के विरुद्ध में बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये पांच लोग क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना है, टॉपिक के अगेंस्ट में बोलना है कि फॉर में बोलना है। इससे क्या समझ में आता है? ये अधिकतर आपका कब होता है? इंटरव्यू के समय होता है। ठीक है, देखिए कहीं भी जॉब के लिए एक क्राइटेरिया ऐसा हो गया है, पहले होता है रिटर्न, फिर रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद जीडी होता है। जीडी को ही क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या होता है, आखिरी पड़ाव होता है जिसको क्या कहते हैं? पीआई। पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में ये देखते हैं कि आप जो ग्रुप है उसके साथ कितना अच्छा तालमेल बैठा सकते हैं। आप बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, या आप दूसरों को बोलने का मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर मौका सबको मिल रहा है, प्रॉपर चांस मिल रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या पता चलती है मालूम है? ग्रुप डिस्कशन से पता चलती है टीम वर्क। अगर आप बोल रहे हैं, अट्रैक्टिव बोल रहे हैं, सब लोग आपका सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है? लीडरशिप क्वालिटी है। दूसरों को बोलने का मौका दे रहे हैं, तब भी आप क्या टीम प्लेयर हैं। ठीक है, दूसरों का भी ऑप्शन ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। सिर्फ हियर नहीं करना है, आप लोगों को हर बार बताया गया हियर नहीं, क्या लिसन। ठीक है, क्या हियर नहीं करना है, लिसन करना है। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप एक गुड टीम प्लेयर हैं। और कहीं भी मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो होते हैं ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्रोजेक्ट जो होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट किसको दिया जाता है मालूम है? टीम को। तो टीम में हर तरह के लोग होते हैं, लीडर होते हैं जो सीनियर होते हैं आपके, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसे करके पूरी टीम कंसिस्ट होती है प्रॉपर लोगों की। और टीम के अंदर अगर गुड कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो वो टीम का प्रोजेक्ट क्या होगा? राइट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, और सबको क्या एक साथ क्या मिल जाएगा? सबको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, होल टीम। ठीक है, आइए ग्रुप डिस्कशन देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि टिप्स फॉर प्रिपरेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है ये आप लोगों को पता चल गया, अब हम लोग कुछ टिप्स देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? कुछ टिप्स देखते हैं किसके? ग्रुप
डिस्कशन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपका होगा, मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देते हैं, रिटर्न निकल जाता है, ठीक है, आपका रिटर्न निकल गया, उसके बाद क्या होगा, आपका जीडी होगा। तो लोग इसकी भी कोचिंग करते हैं, इसकी भी कोचिंग होती है, किसकी, जीडी की, पीआई की भी कोचिंग होती है, ठीक है। तो जीडी की कोचिंग होती है, तो उसमें क्या सिखाते हैं, उसमें यही टिप्स देते हैं कि आप जब भी ग्रुप डिस्कशन करें तो उसमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको बोलना है, किस प्रकार से आपको बोलना है, कितना टाइम आपको अपने ऊपर लेना है, कितना आपको दूसरों को देना है, दूसरों की बातें क्या करनी है, सुननी है, अपनी भी बातें सुनानी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पांचों लोग एक साथ बोलने लगे, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो किसी की बात किसी को सुनाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अब इसके लिए क्या होता है, रीडिंग, ठीक है, ये क्या है, टिप्स है, टिप्स फॉर जीडी, ग्रुप डिस्कशन तैयार करने के लिए क्या क्या टिप्स है। जैसे पहले क्या है, रीडिंग एज अ हैबिट रखना पड़ेगा। रीडिंग मतलब आप हमेशा पढ़ते रहें, नई चीजें पढ़ते रहें, ठीक है, और हमेशा उस लैंग्वेज में पढ़े जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए आपके ऑफिस में 90% काम इंग्लिश पे होता है, तो आपको हमेशा इंग्लिश नॉवेल, इंग्लिश बुक, ये पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। क्यों, उससे आपका मालूम क्या सही होगा, वोकैबुलरी, ठीक है। तो जब वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो वोकैबुलरी जब अच्छी होगी तो आपको जब भी आप इंग्लिश में बोलेंगे या कोई भी चीज डिस्कशन करेंगे तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी। हिंदी का क्या है, जैसे हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो बचपन से सब लोग क्या है, हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी में ही बातें होती है, चाहे घर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे ऑफिस हो, मैक्सिमम जगह हिंदी में ही बातें होती हैं, ठीक है। तो हमारे शब्दकोश हिंदी के लिए अच्छे हो जाते हैं, हम जब हिंदी में बोलते हैं तो हमें प्रॉपर शब्द तुरंत ध्यान में आते हैं और बोलने लगते हैं। पर इंग्लिश के साथ, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब हम इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग की एक आदत है, पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेट करने में ही पता चला कि जो वर्ड हमको वहां बोलना है उसका हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो वो कैसे सही होगा, वो ऐसे सही होगा कि आपको रीडिंग एज अ हैबिट रखनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर रीडिंग करनी पड़ेगी, और डेली। हैबिट का मतलब होता है, देखिए, आदत, ठीक है, हैबिट का मतलब होता है आदत, और आदत का मतलब होता है जो चीज हम रोज करें, डेली बेसिस पे करें, डेली रूटीन हो वो, ठीक है, क्या हो, डेली रूटीन हो या डेली बेसिस पे उसको करें, ठीक है। जैसे आप लोग के लिए क्या हैबिट होनी चाहिए, रोज पढ़ना, BCA का कोर्स पढ़ना, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। चाहे जो हो जाए, कुछ टाइम जो हमने निकाला है उस टाइम में हमें क्या करना है, इस टाइम में हमें पढ़ना है, चाहे वो 1 आवर हो, चाहे 5 आवर हो, उसके लिए टाइम हमें निकालना है, ये हमारे क्या होना चाहिए, डेली हैबिट या डेली रूटीन में होना चाहिए, ठीक है। अगला टिप्स क्या है, अगला है डेवलप Develop the habit of discussion, ठीक है। ये क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ लिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, पर जीडी में क्या करना होता है, ग्रुप डिस्कशन, कई लोगों के सामने आपको डिस्कस करना होता है, तो आप क्या करेंगे, अपने अंदर डिस्कशन करने की क्या करेंगे, हैबिट को डेवलप करेंगे। ये डिस्कशन आप किसके साथ कर सकते हैं, घर में पेरेंट्स के साथ, ठीक है, या किसके साथ कर सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, ठीक है, रिलेटिव के साथ, ठीक है, और फ्रेंड्स हो गए, इन सब के साथ आप क्या कर सकते हैं, इन सबके साथ आप डेवलप कर सकते हैं क्या, हैबिट ऑफ डिस्कशन, ठीक है। क्यों, आप जब ये हैबिट ऑफ डिस्कशन आप आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, एकदम प्रॉपर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तब जब भी आप जीडी देंगे तो जीडी देने में पहली बात तो आपको ये हैबिट रहेगी, आपकी आदत रहेगी, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूँ, जब आप हैबिट करेंगे ना किसका, जीडी के लिए डिस्कशन की हैबिट जब
हैबिट डिस्कशन की जब भी डेवलप करेंगे जीडी के लिए, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स से जब भी कर रहे हैं डिस्कशन, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, रिलेटिव हो गए, तो इनके साथ आप बेसलेस, ठीक है, क्या हमने कहा, बेसलेस या पर्पस, ठीक है, बेसलेस या पर्पसलेस आप है डिस्कशन नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमें हैबिट डिस्कस करनी है, हमें हैबिट बनानी है डिस्कशन की, तो हम फालतू कुछ भी बोल पड़े हैं, पता चला बात कुछ और हो रही है, हम उसमें बस फालतू बहस किए पड़े हैं, क्यों, क्योंकि हमें हैबिट डेवलप करनी नहीं, हम क्या करेंगे, उसका कोई प्रॉपर बेस होना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात बोलें उससे रिलेटेड, ताकि लोग सुने, लोग समझें, तब प्रॉपर डिस्कशन आपका क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है, तब आपको तर्क करने की, वितर्क करने की क्षमता होगी। ये नहीं कि कुछ भी बोले पड़े हैं, बस बोले पड़े हैं, क्यों, हमें बहस करना है भाई। डिस्कशन का मतलब क्या होता है, किसी से अपनी बातें शेयर करना, ठीक है, लोग इसको बहस भी कह देते हैं, अब फालतू बोलेंगे तो सब घर वाले कहेंगे देखो बड़ों से बहस कर रहा, नहीं, आपको क्या करना, प्रॉपर डिस्कशन करना है, ताकि वो बेसलेस ना हो, पर्पसलेस ना हो, ठीक है। अगला क्या है, हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, ठीक है, अब ये इससे क्या फायदा होता है, देखिए दोस्तों, इससे आपकी पहली बात तो जिस भी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पिक्चर देखते हैं, जिस भी लैंग्वेज में अगर आप नोट्स बनाते हैं ना, तो उस लैंग्वेज पे क्या हो जाता है मालूम है आपका, उस लैंग्वेज पे आपका कमांड बन जाता है। हॉलीवुड मूवी सब लोग देखते होंगे, ठीक है, और जो लोग देखते होंगे तो क्या करते हैं, उसको डब में देखते हैं, हिंदी डबिंग में, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्यों, उनकी थोड़ा सा एक्सेंट अलग होता है, तो हम उसको अगर इंग्लिश मजबूत करनी है, अच्छी करनी है, अगर हमें नोट्स बनाने हैं और मूवी भी देखनी है भाई, इंजॉय भी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सब टाइटल के साथ मूवी देखेंगे, इसके साथ सब टाइटल के साथ मूवी देखेंगे, उससे क्या होगा, जैसे वो कुछ बोल गए, तेजी से बोल गए, जैसे हे आई एम कमिंग, ठीक है, अब जैसे उन्होंने बोला हियर आई एम कमिंग, तो नीचे लिखेगा हियर आई एम कमिंग, या सबसे आसान तरीका एक चीज और, आप हिंदी में ही मूवी देखिए पर सब टाइटल के साथ, उससे क्या फायदा होगा, जैसे उसने बोला हियर आई एम कमिंग, तो जब उसका हिंदी डबिंग आप सुनेंगे ना, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, हियर मतलब यहां, आई एम कमिंग यहां मैं आ रहा हूं, मैं यहां आऊंगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको मीनिंग भी पता चलेगी, तो आपको क्या होगा, तैयारी होगी। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं, सब टाइटल भी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करें, जो भी शब्द नहीं समझ में आ रहा उसको क्या करें, नोट कर लें, और हमेशा किसका यूज करें, डिक्शनरी का, ठीक है, डिक्शनरी का यूज प्रॉपर करें, ताकि आपको क्या हो जाए, वर्ल्ड की मीनिंग मिल जाए। दो तरह की डिक्शनरी आती है, ठीक है, एक आती है इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, एक है इंग्लिश टू इंग्लिश, देखिए अगर आप लोग बिगनर हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो आप इंग्लिश टू हिंदी खरीद लीजिए, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको इंग्लिश के शब्द इसमें मिल जाएंगे, उसकी हिंदी में मीनिंग मिल जाएगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे आप कोशिश करिए इंग्लिश टू इंग्लिश में जाने की, इससे क्या होगी, आपके शब्द बढ़िया तैयार होंगे, आप जब भी डिस्कशन करेंगे, आप जब भी बोलेंगे, तो आपको वर्ल्ड की मीनिंग पता होगी, तो आपको ये भी पता होगा कि हाउ टू यूज सम वर्ल्ड इन दैट डिस्कशन, समझ में आया, किसी भी वर्ल्ड को उस डिस्कशन में कैसे यूज करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार पढ़ने के, नोट्स बनाने की और लोगों से डिस्कशन करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, डेवलप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, वर्बल मतलब होता है ओरल, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ओरल, अब हमें ओरल कम्युनिकेशन भी डेवलप करना है, ठीक है। देखिए घर परिवार दोस्तों से जो बोलने की आदत सबकी होती है, क्योंकि वो उन लोग से रोज मिलते हैं, रोज हम रिलेट करते हैं, तो वहाँ कॉन्फिडेंस की उतनी ज़रूरत नहीं होती, कमी भी नहीं पड़ती है, तो हम क्या कर लेते हैं, बोल लेते हैं, उनको समझा लेते हैं, उनसे लड़ लेते हैं, पर कहीं स्ट्रेंज जगह, कहाँ पे, कहीं स्ट्रेंज जगह अगर हमें बोलना है ना, तो
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप क्या करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन की तैयारी। वर्बल कम्युनिकेशन की तैयारी जब आप करेंगे तो आपका ये कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। वर्बल कम्युनिकेशन देखिए, अभी तक जो चीज डिस्कस हुई है लगभग वही चीज इसमें भी है। वर्बल कम्युनिकेशन करने से क्या होगा मालूम है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, प्लस आपकी बोलने की तैयारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, ठीक है, प्लस आपकी क्या हो जाएगी, शब्द चयन करने की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप फिर जब किसी सब्जेक्ट पे बार बार बोलेंगे तो आप कोई प्रॉपर सब्जेक्ट या प्रॉपर शब्दों का यूज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब चीज एकदम बेसिक है, ये सब चीजें बेसिक है, पर बिजनेस कम्युनिकेशन यही आपका है, ही सिलेबस, यही सिलेबस है, तो यही बताना है, ठीक है। अब देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन बार बार करने से आप जब भी शब्दों का यूज करें, यूज ऑफ वर्ड, तो ऐसे शब्दों का यूज करें, यूज ऑफ वर्ड दोज मीनिंग आर नोन टू द स्पीकर, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें या उपयोग करें जिसकी मीनिंग स्पीकर को भी पता हो। ये नहीं कि शब्द बहुत अच्छे लगे, प्रभावी लगे, बहुत बड़े हैं शब्द, मजबूत लग रहे हैं तो हमने बोल दिया, अब कोई मीनिंग पूछ ले तो हमें खुद ही नहीं पता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई भी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे शब्दों का यूज करेंगे जिसकी मीनिंग आपको खुद पता हो। द स्पीकर शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, जीडी के टिप क्या थे, पहले क्या था, हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है, दूसरा क्या था, डिस्कशन हैबिट, ठीक है, तीसरा क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, चौथा क्या था, चौथा था मेकिंग नोट्स, ठीक है, पांचवा क्या है, राइट एटीट्यूड, ठीक, डेवलप द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, ठीक है। आपको कभी हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जिस जो आपको पसंद ना हो, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आप उसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं ना, तब भी आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। वहाँ आपको ये नहीं दिखाना कि मुझे इस सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है इस पे बोलने की, आप मुंह बना के बैठ गए हैं, नीचे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, नहीं। ग्रुप डिस्कशन होगा, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसके अगेंस्ट में बोलिए। भाई आपको नहीं पसंद है ना, तो आपके पास उसके अगेंस्ट में कुछ होंगे, आप उसके अगेंस्ट में बोलिए, पर अगेंस्ट में इतना अच्छा और सॉलिड बोलिए कि जो भी फॉर्म है वो उनका हो जाए, वो आपसे सहमत होने लगे। और जब आपसे सहमत होने लगेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्रुप, जो भी ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत अच्छा गया है, ठीक है दोस्तों। हम लोग ने क्या देख लिया, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और टिप्स फॉर मेकिंग गुड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ये टिप्स हो गए आपके, हैबिट ऑफ रीडिंग, डिस्कशन हैबिट, वर्बल कम्युनिकेशन, मेकिंग नोट्स और डेवलप राइट एटीट्यूड, ठीक है, इतने हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, मॉक इंटरव्यू, या इसको क्या कह सकते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या था, सबको एक साथ बुलाया जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए,
तो ग्रुप डिस्कशन में क्या करते थे हम, 20 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो चार ग्रुप बना दिए पांच पांच बच्चों का। अब ये पांच पांच बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे और उन पांचों में से मान लीजिए आगे हमें से 10 चुनना है, ठीक है। तो 10 चुनने का मतलब ये नहीं कि हर ग्रुप में से कोई ना कोई चुनना कंपलसरी है, नहीं, किसी ग्रुप में हो सकता कोई ना चुना जाए, हमें पर टोटल कितने चाहिए 10 बच्चे, ठीक है। अब जब इन 10 बच्चों का अलग अलग इंटरव्यू होगा ना, जब 10 स्टूडेंट या 10 इंटरव्यूज, ठीक है, इन लोग का जब अलग अलग होगा इंटरव्यू या कुछ भी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मॉक इंटरव्यू या PI, ठीक है। अब 10 बच्चे चुन लिए गए, आगे के स्टेज में गए, तो उनका अब क्या होगा, मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है, और क्या होगा, PI होगा। अब ये क्यों करते हैं, ये देखते हैं, वहां तो आपने ग्रुप डिस्कशन कर लिया, एक टॉपिक मिल गया, अब यहां पे आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ आपसे सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव सवाल कहने का मतलब है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गए हैं उसके बारे में, जिस कंपनी में गए हैं इंटरव्यू देने तो अबाउट कंपनी भी होगा, ठीक है, अबाउट पोस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, अगर कहीं काम किए हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर रीजन टू, क्या कहते हैं, रीजन टू ड्रॉप दैट जॉब, ठीक है, उस जॉब को क्यों छोड़े आप, तो ये सब आपका PI में पूछा जाता है, ठीक है। और भी कुछ चीजें PI में देखी जाती हैं, जैसे वे ऑफ ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क, इतनी चीजें आपकी क्या कहते हैं PI में देख लेते हैं। हमें पता नहीं चलता है, हमसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता है, पर इतनी चीजें देख लेते हैं। आप जब इंटर करते हैं, ठीक है, आप जब भी रूम में इंटर करते हैं, वहां जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं, तो आपको भले पता ना चले, वो जैसे ही आप इंटर करते हैं, तो इंटर करते ही आप अगर ग्रीट किए हैं, क्या किए, ग्रीट, इसको क्या कहते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग है, ठीक है, या गुड इवनिंग है, जो भी है, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है पहला एटीट्यूड आपका कैसा है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही आप इंटर करते हैं तो उनकी नजर आपके किस पे जाती है, ड्रेसिंग पे, ठीक है, इससे पता चलता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है। तीसरी चीज, सबसे बढ़िया चीज, आप वहां पे अपनी पेन लेके जाएं। मैक्सिमम लोग ये छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं, पेन लेके क्यों जाना है, अगर इंटरव्यू देते समय आपसे कोई चीज लिखने के लिए कहा जाता है या कहीं सिग्नेचर के लिए, तो आप हमेशा अपनी पेन यूज करें, अपना, देखिए अपने पास अगर सब चीज है तो आपको एक तरह का क्या माना जाता है, जिम्मेदार व्यक्ति। अब आप इंटरव्यू देने पहुंच गए, उसने कहा कि यहाँ साइन कर दीजिए, आपके ये सर पेन दे दीजिए, पेन नहीं लाए हैं, हाँ, कह दे कि टाइम बताइए, आपसे पूछ ले, मान लीजिए इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम, आप घड़ी नहीं लगाए, कहे सर आप मोबाइल निकाल लें क्या, नहीं, कुछ चीजें प्रॉपर आज भी चाहिए, ठीक है, घड़ी, बेल्ट, और क्या, पेन, दाढ़ी बनी हुई, अच्छे से बाल कटे हुए, ठीक है, ये नहीं कि बस सो के उठ के चले गए, इंटरव्यू दे के चले आए, नहीं, आपके वहाँ भले नॉलेज हो, एटीट्यूड पे क्या होते हैं, आपके नंबर कट जाएंगे। तो मॉक इंटरव्यू या PI में कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे देखी जाती हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक पोस्ट होती है एयर होस्टेस की, ठीक है, ठीक है, लड़कियों को एयर होस्टेस बोलते हैं और लड़कों को बोलते हैं फ्लाइंग स्टूअर्ड, ठीक है। अब
अब इसमें इसके लिए जब इंटरव्यू होता है ना, तो उसके लिए पहले से प्रॉपर एक कोर्स होता है, कोर्स फॉर एयर हॉस्टेस या फ्लाइंग स्टूवर्ड के लिए, ठीक है। उसमें आपको सब चीज़ सिखाया जाता है। क्या क्या सिखाया जाता है? वही एटीट्यूड, आपको कैसे अपने कस्टमर या कंज्यूमर या क्लाइंट से बात करनी है, आपसे चाहे जो जितना परेशान करे आपको कभी परेशान नहीं होना है, आपको वो चीज़ नहीं शो करनी है। क्यों? क्योंकि जितने भी क्लाइंट डीलिंग काम होते हैं ना, जितने भी क्लाइंट डीलिंग काम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है मालूम? पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो क्लाइंट डीलिंग आप आराम से कर लेंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आप उनसे बदतमीजी करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा? आपके कंपनी के रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। कंपनी के रेपुटेशन पे क्यों असर पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जिस भी एयरलाइन में लोग काम कर रहे हैं वो उसी एयरलाइन को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला आदमी पे क्या कहेगा? निगेटिव इम्पैक्ट दे देगा कि उनके जो भी फ्लाइट स्टूवर्ड थे या एयर हॉस्टेस थे वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, पलट के जवाब दे रहे थे, काम नहीं सुन रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। इसलिए क्या होता है? इसलिए आपको प्रॉपर वहाँ पर सिखाया जाता है। एक कोर्स और होता है जिसमें आपको प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी सिखाई जाती है, हाउ टू डील विद अ कस्टमर, वो होता है होटल मैनेजमेंट का। ठीक है, होटल मैनेजमेंट में बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, खाना बनाना, ठीक है, ये सब पूरा सिखाया जाता है। पर हमें इस समय जो कम्युनिकेशन से मेन मतलब है वो क्या है मालूम है? एटीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे सिखाया जाता है कि हाउ टू डील विथ कस्टमर। अगर आपकी जॉब है पब्लिक डीलिंग है तो आपको ये चीज सिखाया जाता है कि हाउ टू डील विथ अ कस्टमर। ठीक है, आप सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाइए तो वहां पे कोई एडिकेट नहीं है, कोई मैनर नहीं है, भगा देंगे, लड़ाई हो जाती है लोगों में। ठीक है, क्यों? उन्हें पता है कि उनकी जॉब जानी नहीं है, क्लाइंट आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। पर प्राइवेट में क्या होता है, जैसे भी एक कंप्लेंट हुई आपके खिलाफ तो आपकी जॉब भी जा सकती है। इसीलिए प्राइवेट में ये सब बहुत ध्यान रखते हैं, एटीट्यूड, ठीक है, एंड हाउ टू डील विद द कस्टमर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग ने ग्रुप डिस्कशन देख लिया, PI देख लिया, ठीक है, कल हम लोग और इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।